Welcome to all my students of class 6th. Today we will start with the second chapter of Hindi language. Lesson number 2, Varn Vichar. भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है. इसी के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं. वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि तथा ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है. बच्चों, नीचे बने चित्रों को देखिए और समझिए. फर्स्ट वन पाठशाला, सेकंड वन किताब, थर्ड वन बारिश और फोर्थ वन पक्षी. आइए इन ध्वनियों को अलग अलग करते हैं. पाठशाला प प्लस आ प्लस ठ प्लस अ प्लस श प्लस आ प्लस ल प्लस आ. सेकंड वन किताब क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ. थर्ड वन बारिश ब प्लस आ प्लस र प्लस ई प्लस श प्लस अ. फोर्थ वन पक्षी प प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस ई. इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते. इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं. परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं. अब वर्णमाला, वर्णमाला क्या है वो समझिए. वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं. हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं जो इस प्रकार हैं. स्वर 11, अयोगवा 2, क वर्ग से प वर्ग तक 25, अंतस्थ 4, ऊष्म वर्ण 4, संयुक्त वर्ण 4, नव विकसित वर्ण 2, टोटल 52. आगे वर्ण भेद, वर्ण 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन स्वर, सेकंड वन व्यंजन, थर्ड वन अयोगवा. फर्स्ट वन स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं. स्वर स्वतंत्र होते हैं. इनको बोलते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है. यह संख्या में 11 होते हैं. 11 जैसे अ आ, ए ई, उ ऊ, ऋषि ऋषि, ए ए, ओ अ. स्वरों के 3 भेद होते हैं. ह्रस्व स्वर, सेकंड वन दीर्घ स्वर, थर्ड वन प्लुत स्वर. सबसे पहले ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं. यह संख्या में 4 होते हैं. जैसे अ ई उ ऋषि. सेकंड वन दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं. यह स्वरों में 7 होते हैं. जैसे आ ई ऊ ए ए ओ अ. आगे प्लुत स्वर, जिन शब्दों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं. यह अंग्रेजी के एस के समान हैं. जैसे सुनो ओम आदि.
आगे सेकंड वन व्यंजन, फर्स्ट वन स्वर था, सेकंड वन व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 39 होती है। यह तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन स्पर्श व्यंजन, स्पर्श छूने टच करने वाले, जिन वर्णों के उच्चारण में जिभ्या मुख के अलग अलग भागों जैसे कंठ, कोष्ठ, तालु एवं दांत आदि का स्पर्श करती है, माने छूती है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आदि। ये संख्या में 25 होते हैं। सेकंड अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, जैसे य, र, ल, व, ये संख्या में 4 होते हैं। थर्ड वन ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह आदि, ये भी संख्या में 4 होते हैं। अब फोर्थ वन संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, यह संख्या में 4 होते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। अयोगवा, अंग तथा अहं को अयोगवा कहते हैं, क्योंकि यह न तो स्वर माने जाते हैं और ना ही व्यंजन। अनुस्वार, जैसे कंचन, जंगल आदि। अनुनासिक, चांद, ऊंचा। और विसर्ग, अतः, नमः आदि। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर समझा दिया। अब अगले आपको चैप्टर थर्ड शब्द विचार समझाएंगे। थैंक यू।